दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आप वीडियो को पूरा वाच कर समझने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार बाई आरसीएनटी के द्वारा। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो सही लोगों को जानकारी मिल जाएगा। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, तो आप इसे शेयर करके लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा परिणाम में देरी को लेकर। सीयूटी की बात करूंगा। सीयूटी के परिणाम में देरी का कारण है कि अकादमिक कैलेंडर भी पिछड़ रहा है। आपको बता दें परिणाम कब तक आएगा। समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है कि 15 जुलाई तक परिणाम जारी करने की तैयारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 15 जुलाई तक परिणाम आने की संभावना कम दिख रही है। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी को लेकर। बहुत ही गजब की कहानी है। इसी के कारण कई महिलाओं पर आरोप लग रहे हैं और कई महिलाओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट में हत्या की बात भी की गई है या नहीं की गई, इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन आलोक की कहानी खत्म करने की थी साजिश, ऐसा बताया जा रहा है। मनीष के साथ ज्योति की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। मनीष के निलंबन व मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की गई है। जो प्रथम दृष्टया जाँच हुआ है उसके माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है कि मनीष दोषी हैं। तो आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आलोक की कहानी खत्म करने की साजिश ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के माध्यम से की गई थी। अब मैं बात करूंगा संस्कृत स्कूल को लेकर। आपको बता दें संस्कृत स्कूलों के पाठ्यक्रमों में 30% की कटौती होगी, इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषय का पाठ्यक्रम भी कम किया जाएगा, जिससे संस्कृत के छात्र अपना मुख्य विषय संस्कृत को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। पाठ्यक्रम में इसी शैक्षिक सत्र 2023-24 में संशोधन किया जाएगा। बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ 25,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को लेकर, जिन्होंने BPSC की शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है, यानी कि बिहार शिक्षक बहाली जो कि 1,70,000 पदों पर निकला हुआ है उसमें आवेदन किया गया है। नियोजित शिक्षक एक तरफ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ BPSC से होने वाली बहाली के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। राज्य के 25,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि आवेदन करने के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ आवेदनों की संख्या बढ़कर, कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर लगभग 6,30,000 के करीब पहुंच सकती है, जो कि रजिस्ट्रेशन के रूप में होगा। फाइनल सम्मिलेशन क्या होगा या आगे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब राज्य सरकार और UPSC से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। किसने तलब किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने समीक्षाधिकारी भर्ती में OBC पद को समान वर्ग की महिला से भरने के मामले में राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। इसके बाद सप्ताह भर में याची इसका प्रति उत्तर दे सकेगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार यादव की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, उसके बाद इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। कारण क्या है, क्यों केस किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। याची के वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना कि आयोग ने समीक्षाधिकारी भर्ती के लिए इसी साल कराई परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले याची के पद को उसकी जगह समान वर्ग की महिला अभ्यर्थी से भर दिया, जबकि पिछड़े वर्ग के याची ने न्यूनतम कटाप 246 के सापेक्ष 248 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बावजूद उसका चयन सूची में नाम नहीं था। उधर राज्य सरकार व आयोग के वकील पेश हुए थे। अब देखना होगा क्या होता, अगर ऐसा है तो OBC वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसे लाभ मिलने वाला, उसकी जीत होने वाली मेरी जानकारी के अनुसार। अब मैं बात करूंगा भारत और पाक मुकाबले को लेकर। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मेजबान है पाक। अब भारत पाक का मुकाबला कहाँ होगा, तो दामबुला में होगा। दामबुला भैया, दामबुला में होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाइए। एलटीकर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। एलटीकर शिक्षक भर्ती प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद खाली होने से क्या होता है, भर्ती होनी चाहिए।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलडीग्री शिक्षक और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा कि विज्ञापन कब तक आएगा और समस्या का समाधान कब तक होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का याचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन शासन से हरी झंडी न मिलने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रदेश में एलडीग्री शिक्षक एवं प्रवक्ता के 28,763 पद स्वीकृत हैं, एलडीग्री शिक्षक के 19,300 और प्रवक्ता के 9,463 पद शामिल हैं। कुल मिलाकर आपको मेरे द्वारा संख्या बताया गया 28,763, 10,332 पद रिक्त पड़े हुए हैं, 6,365 एल्टीग्रेड के और 3,957 प्रवक्ता के। अब भर्ती कब होगी, समस्या का समाधान कब होगा, अहर्ता विवाद कब सुलझेगा, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी महीने समाचार पत्र में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, भैया रास्ता क्लियर हो गया है, मैं कई दिन से बता रहा हूं। अब मैं बात करूंगा नगर पंचायतों में ईओ की बंपर भर्ती को लेकर। लगातार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं बड़ी भर्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूं, छोटी भर्ती के बारे में इसलिए जानकारी नहीं देता हूं, वह कभी भी जारी किया जा सकता है। नेत्र सहायक में कितने आवेदन होंगे आप कल्पना कर सकते हैं, फार्मासिस्ट में कितने आवेदन होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी भर्तियां आती रहेंगी, बड़ी भर्तियों का जिक्र होना चाहिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बाकी छोटी भर्तियों की जानकारी आगे दी जाएगी। लेकिन बड़ी भर्तियां आए, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेत्र परीक्षण अधिकारी के आवेदन 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। राज्य सरकार नगर पंचायतों में स्थायी अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ की तैनाती करने जा रहे, रिक्त 355 ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव कब तक भेजा जाएगा, इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्वालिफिकेशन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से, अगर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया तो कट ऑफ 69 से लेकर 73 के बीच में हो सकता है, 69 से लेकर 73 के बीच में हो सकता है। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अब विज्ञापन के बारे में बात करें तो विज्ञापन आने में भी समय है। मुझे लगता है यह भर्ती जो पेट 2023 के अंतर्गत आएगा, पेट 2023 का जो स्कोर बनेगा पेपर के आधार पर इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। बाकी पेट नोटिफिकेशन पर इसी महीने से काम शुरू हो जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन आएगा। वैसे उम्मीद है कि 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन पेट का आपको देखने को मिल जाए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, तो पेट की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको आने वाली भर्तियों में अप्लाई करना है, एसएल और पीसीएस इत्यादि भर्तियों में अप्लाई करना है, तो पेट की तैयारी शुरू कर दो, अच्छा स्कूल लाओ जिससे आपका कल्याण हो सके।